अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ महमूद बात कर रहा हूँ ओस्लो के एयरपोर्ट से। यहाँ पे जो PIA का जहाज़ जो के चलना था लाहौर के लिए, तकरीबन 4 बजे यहाँ से फ्लाई करना था और लाहौर सुबह 5:55 में फ़ोन पहुँचना था। और पहले तो PIA ने इसको 2 घंटे डिले किया कि फ़्लाइट 2 घंटे डिले है। उसके बाद जब यहाँ पे लोग 6 बजे पहुँच गए, जो कि 4 बजे फ़्लाइट चल रही थी, 6 बजे जब ये लोग पहुँचे हैं तो इनको फिर आके हम लोगों को यहाँ पे पता चला कि जी फ़्लाइट जो है वो 6 घंटे और डिले है, यानी कि रात के 12 बजे चलनी है। और जब 12 बजे हैं तो हम सब लोगों ने चेक इन कर लिया। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लोग सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के हौसलो में। और जब 12 बजे हैं तो इन्होंने एक फॉल्टी जहाज़ यानी कि हौसलो में लैंड किया है, और उसके बाद हमें बताया कि इसके 3 जगह से ऑयल की लीकेज है। और यहाँ पे बच्चों को इस टाइम जो ऑलमोस्ट जो 4 बजे से वेट कर रहे हैं उनको तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि 9 से 10 घंटे हो गए हैं। जो 6 बजे भी जो लोग आए हैं, आप इसमें ये देख लें, बूढ़े बच्चे और सारे, और अभी तक स्टिल जो है वो टाइम हो गया है। टाइम क्या हो गया जी? टाइम हो गया जी, हाँ जी, 2 बज गए अब रात के और अभी तक नहीं आया। और इन्होंने बिल्कुल जो है वो एक झूठ बोला है, ब्लंडर किया है, फॉल्टी जहाज़ भेजा है। पहले तो अपने फॉल्ट की वजह से इन्होंने वो फॉल्टी जहाज़ एयरपोर्ट पे आके जो है वो उतारा है, और उसके बाद ये बताया कि जी फ़्लाइट डिले हुई है। और अब मैं आपको यहाँ के लोगों से जो बदहाल हुए हैं, बच्चे जो हैं वो देखें, ये बूढ़े लोगों को सबको पानी दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये रात के इस टाइम पे इन्होंने आके पानी भी बात से लेकर पी रहे हैं। ये देखें सर, पानी भी नहीं दे रहे, पानी तो बात से लेकर पी रहे। सर आपका क्या नाम है? मेरा अर्शद चौधरी है, मैं लंदन से मतलब 10 घंटे को बैठा हुआ है। और सर आप कहाँ से हैं? और आप? मैं उसलो से हूँ। कितनी देर से आप वेट कर रहे हैं? 12 घंटे। अभी आप ये देख लें, और मैं आपको यहाँ पे अब लोग दिखाता हूँ कि बूढ़े बच्चे जो व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो व्हील चेयर्स पे बैठे हैं, ये देखें वेट कर रहे हैं। ये आप इन लोगों को देखें और यहाँ पे देखें, और ये अथॉरिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल बेबस हैं। और ये यहाँ पे कोई इन्होंने खाना नहीं खाया। क्यों अंकल, आप कुछ बोलना चाहेंगे दुनिया न्यूज़ से? क्यों दुनिया न्यूज़ जी? सर हाँ जी, तो वेट करें कि कितनी देर से, 10 घंटे से ये बुज़ुर्ग जो हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं। आप ये देखें, खाना बच्चों ने नहीं खाया, पानी नहीं पिया हुआ, पानी नहीं मिल रहा इधर बैठे, ये देखें। और ये देखें ये छोटे बच्चे जो हैं वो बूढ़े लोगों को भी यहाँ पे पानी दे रहे हैं। हम लोग सारे ये चाहते हैं कि हमारा जो टिकट है ना वो PIA की गवर्नमेंट रिफंड करे सबका। 12 घंटे ये पाकिस्तान से भी इनका यही चक्कर है, और यहाँ जो भी इनका जहाज खड़ा हुआ है वो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत ज़्यादा, हमारी टिकटों से कहीं ज़्यादा इनके पार्किंग के चार्जेस जो है वो जहाज़ पे कर रहे हैं। यार मैनेजर कितने मतलब कोई बंदा टोटा नज़र नहीं आ रहा सानू यहाँ, कोई PIA का स्टाफ नहीं बैठा हुआ। आप ये देख रहे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और जो स्टाफ है होस्टेस है वो किसी होटल में कहाँ पर बैठे हुए पता नहीं। और मैं आपको एक और ये जहाज़ जो कि ये देखिए, ये छोटे बच्चे जो हैं ये पानी दे रहे हैं सबको, क्योंकि रात के इस पहर यहाँ पे कहीं पानी नहीं मिलता। और मैं अब आपको PIA का वो जहाज़ दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे 12 घंटे से खड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, ये देखें तो। और PIA का जो कि स्टाफ हमें जिसने आंसर करना था वो उसको यहाँ पे बैठे होना चाहिए, बिल्कुल खाली है ये काउंटर्स। और हम लोगों के ये टिकट 100% रिफंड होने चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल फजूल में हम लोगों ने दिए हैं पाकिस्तानी 125,000 रुपए के लिए हैं।